सोलन को नगर निगम का दर्जा दिलवाने के लिए सोलन नगर निगम संघर्ष समिति 2 वर्षों से लगातार संघर्ष करती आ रही है। संघर्ष समिति के सदस्यों ने समिति के स्थापना दिवस पर इस मुहिम को भविष्य में भी जारी रखने का आह्वान किया है। समिति ने ये भी निर्णय लिया कि जब तक सोलन को नगर निगम नहीं बनाया जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। नगर निगम संघर्ष समिति सोलन द्वारा दूसरा स्थापना दिवस जागरूकता कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें माल रोड पर समिति ने पिछले 2 वर्षों के दौरान किए गए संघर्ष को लेकर बैनर लगाए और लोगों को इस संबंध में जानकारी दी। नगर निगम संघर्ष समिति के संस्थापक राकेश पंत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि समिति का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा सोलन के साथ किए गए अन्याय को लेकर समिति पिछले 2 साल से संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भी सोलन को नगर निगम बनाने का मामला अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था, लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद भी शहर के लोगों की ये मांग पूरी नहीं हो पाई है। राकेश पंत ने कहा कि इस मांग को लेकर वे जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलेंगे और मांग को पूरा करने का आग्रह किया जाएगा। 2017 11 जुलाई को इस संघर्ष समिति की स्थापना हुई थी। जो संघर्ष समिति की एक ही प्रमुख डिमांड है कि सोलन को जल्दी से जल्दी नगर निगम का दर्जा दिया जाए। इस संबंध में एक लंबा संघर्ष चला है, जैसे कि आपको पता ही है कि करीब 9000 से ज़्यादा लोगों ने इस पर दस्तखत किए हैं। 750-800 के करीब जो दुकान पर हम लोगों ने स्टिकर लगाए हैं। उसके बाद लगातार संघर्ष चलता रहा, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, अब जो नए मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की है और नए मुख्यमंत्री जी से हम दोबारा जल्दी से जल्दी मिलने वाले हैं और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारी न्यायोचित मांग है इसको मान लिया जाएगा। क्योंकि पूर्व में भी जब धर्मशाला को बनाया गया तो धर्मशाला उस समय सिर्फ 22,000 की आबादी थी। एक तो धर्मशाला को तो बना दिया गया पर सोलन जहां की आबादी करीब 40,000 के करीब थी, हम लोगों का अधिकार छीना गया है और उसी अधिकार छीनने के विरुद्ध इस संघर्ष समिति का गठन हुआ था और ये संघर्ष समिति आज अपने दूसरे स्थापना दिवस पर हम सब साथियों ने एक निर्णय किया है कि जब तक सोलन को नगर निगम नहीं बनाया जाएगा हम संघर्ष करते रहेंगे और आने वाले समय में अगर मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला और उन्होंने जैसा कि अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कहा था कि सोलन को कॉरपोरेशन बनाया जाएगा, अगर उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।